नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल इंस्पेक्टर छिनके पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही जरूरी सवाल था जो बहुत लोग पूछ रहे थे और मुझे लगा कि इसका जवाब देना जरूरी है। लोग ये पूछ रहे थे कि सर, जीके का सिलेबस जो है वो तो समुद्र इतना बड़ा है, हम कैसे कंप्लीट करें? इतने सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब क्या क्या नहीं है, सब कुछ है, कैसे हम पढ़ेंगे सर, बताइए। तो देखिए, ये आप पूरा पढ़ नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली आप कंप्लीट नहीं कर सकते सिलेबस को। आपको करनी होगी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी होगी? जैसा स्मार्ट मैं इस चश्मे को पहन कर लगता हूँ, ठीक है ना, ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं तीन चार सब्जेक्ट ही पढ़ता था बस, जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ता था, जियोग्राफी पढ़ता था, पॉलिटी पढ़ता था और साइंस पढ़ता था। साइंस में मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी पढ़ता था, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था। फिजिक्स पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते थे, लाइट की और आई वाला होता है, एक लाइट का होता है, एक वेव्स वाला, दो चार चैप्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेता था। तो इससे क्या होता था कि मेरा 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता था और मैं स्कोर 20 से 25 नंबर ले जाता था मैथ्स जीके में। लेकिन अब क्या है, जीके का महत्व तो बढ़ गया है। तो जीके का महत्व तो बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है, नहीं, आपको अभी भी सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और उस तरीके के सब्जेक्ट से पढ़ना है। जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री में स्पेशली आपको साउथ का या जो प्रतिहार परमार्स वाले जो डिनेस्टीज थे वैसे हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उसी से सवाल पूछा जा रहा है। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको बता रखा है कौन सी किताब से पढ़ना है। जियोग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको बता रहा है कौन सी किताब से पढ़ना है। पॉलिटी भी बता रखा है किस किताब से पढ़ना है। ये सारी जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, बायोलॉजी की बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मेंस में, मेंस में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बायो से, स्पेशली आपकी जो सेल चैप्टर है ना, सेल चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, प्लांट वाली जो बायोलॉजी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, डाल्टन्स लॉ हो गया और पता नहीं दो चार लॉ था, एक ऑक्टेव लॉ हो गया, ये सारे लॉज जो हैं इनको कौन निकाला है, कौन इनको डिफाइन किया था, किस ईयर में डिफाइन किया था, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे अब ध्यान देना है। उसके बाद फिजिक्स में, फिजिक्स में आपके सिंपल से फिजिक्स तो ईजी होता है, सिंपल मतलब जहाँ से भी प्रीवियस ईयर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर वहाँ से कर लीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबके बस की बात होती नहीं, समझ में आता नहीं है और रिटेंशन नहीं हो पाता। रिटेंशन पावर क्या होती है इकोनॉमिक्स से, बहुत कम होती है। आपको इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी तभी आपको इकोनॉमिक्स आ पाएगी, रट्टा नहीं मार सकते आप उसको, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट मैंने आपको चार पांच सब्जेक्ट बताए हैं, बस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे अपनी मास्टरी करिए, ठीक है। इन पे आप मास्टरी कर लेंगे, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद रही बात स्टैटिक की, स्टैटिक की पीडीएफ मैंने दे रखी है, आप वहाँ से उसको रट्टा मार सकते हैं। रोज जो डेली का टारगेट चलता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आर्ट एंड कल्चर जो हो गया वो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस बार धप्पा किया था आर्ट एंड कल्चर से तो अगली बार भी आर्ट एंड कल्चर से ही धप्पा करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा सारा कहने का मतलब ये था कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पूरा समुद्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली पढ़ना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस सेक्शन को आप अपने मजबूत करिए, ठीक है। और आगे का जो समय बच रहा है उसको दूसरे सब्जेक्ट पे लगाइए, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रीजनिंग के साथ मजाक मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग डेली करिए और मजा लेते रहिए। बाकी और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और चलते हैं फिर, जय हिंद।